कथा बताने आए थे। इस्लाम बड़ा सच्चा धर्म है, ये मत समझ लेना, बहुत अच्छा ऊंचा धर्म है और उसकी सिद्धांतता बड़ी ऊंची है। उसका सिद्धांत इन प्रेमियों, उसके अर्थ का अनर्थ, जैसे हमारे हिंदू समाज में, उसे मुस्लिम समाज में, उसे सिख समाज में, उसे ईसाई समाज, हर समाजों में विकृतियां हो गई, गड़बड़ियां आ गई, लोग समझ नहीं सके। तो इसलिए प्रेमियों, आपको सच्ची चीज बताई जा रही है, यह तस्वीर इसीलिए लगाई गई है कि ये संत महाराज साहब ऐसी दौलत देते हैं, ऐसी चीज देते हैं जो चीज हीरे जवाहरात से मिलने वाली नहीं है, इसलिए तस्वीर लगा करके बताई जा रही है कि उनके पास अगर पहुंच जाओगे, इनका जहां भी प्रोग्राम होता हो तो आपको वह दौलत मिल जाएगी जिस दौलत के लिए मीरा ने गाया कि पायो रे मैं तो नाम रतन धन पायो वस्तु अमोलक दी मोर सतगुरु कर कृपा अपनायो पायो रे मैं तो नाम। नाम की दौलत बांटते हैं जिसकी महिमा चौजुर चौसुर्ति, नाम प्रभाव कल विशेष नहीं अनुभव, चारों युगों में चारों दिशाओं में नाम ही की महिमा है, चारों वेदों में भी चारों सभी शास्त्रों में भी कहा जाता है चौजुग चौसुर नाम प्रभाव कल विशेष नहीं अनुभव। कलयुग में तो विशेषकर कलयुग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नृत्य रह पारा, यह कल काल न साधन दूजा जोग जग जग व्रत तप व्रत पूजा। तो प्रेमियों, ऐसे नाम की चर्चा मैं आपको बताने आया हूं, करने आया हूं, जिस नाम को पा करके जीवात्मा अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेती है, जिस नाम के लिए भगवान शंकर भोलेनाथ श्मशान की विभूति लगाते हैं लेकिन वह नाम नहीं प्राप्त हो पाए। भगवान भोलेनाथ शंकर अपने तन में विभूति क्यों लगाते हैं इसको जानते हो? श्मशान की राख क्यों लपेटते हैं? अरे लोग लेकर के जा रहे थे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, लेकर जा रहे थे, लेकिन वो राम नाम सत्य क्या है यही जानना चाहते थे। तो जब वो गए, चिता रोक दी गई, आग लगा दी गई और चिता में वो जल करके खाक हो गई, बस जैसे आग लगी तैसे राम नाम सत्य बंद हो गया, बोलना खत्म होते हैं। लेकिन हे भैया, जब तक तू रहा तब तक तो राम नाम ना रहा, लेकिन वो सत्य का रहा ही है हम जान ना पाए, ये नाते तुम्हारा खिया लगाओ थे, बहुत उत्तम विचार बात है, बहुत उत्तम थी। अगर आप लेना चाहते हो तो वो सत्य की जानकारी आपको महाराज साहब के पास मिल जाएगी, उस सत्य की जानकारी आपको महाराज साहब के पास मिल जाएगी, राम नाम सत्य। तो उस सत्य को अगर जानना चाहते हो, जिस सत्य के लिए जनक जी महाराज ने 33 करोड़ देवता मतलब सारे ऋषि मुनियों को अपनी जेल के खाने में बंद कर दिया था, महाराज जी का कहना है, धरती पर सतयुग आने वाला है, बाबा जी ने तेरा है अब भी बड़ा सवेरा है, बाबा जी की अर्जी है आगे आपकी मर्जी है, महाराज साहेब की अर्जी है आगे आपकी मर्जी है, प्रेम से बोलो श्री राम वर्मा। ये आपके यहाँ कैसा जय गुरुदेव का आयोजन चल रहा है? ये हमारे यहाँ परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी संत उमाकांत जी महाराज जी पूरे हिंदुस्तान नहीं विदेशों में भ्रमण करके और जीवों का जगाने का काम कर रहे हैं और लोगों को ये चेतावनी दे रहे हैं, आने वाला समय बड़ा विनाशकारी है, आने वाले इस विनाशकारी समय से बचने के लिए आप सभी लोग शाकाहारी हो जाइए, मांस मछली अंडे का सेवन करना छोड़ दीजिए, किसी पशु पक्षियों को मारिए काटिए नहीं सताइए नहीं, वो बेजुबान है बेगुनाह है, बेजुबान पशु पक्षियों को मार करके मत काटो मत खाओ, इससे आपके शरीर में नाना प्रकार की बीमारी आएगी, अगर इससे बचना है
चाहे जितनी भी दवाई कराओगे डॉक्टर अपनी क्लिनिक को छोड़ करके भाग जाएंगे, लेकिन आपको राहत नहीं मिलेगी। अगर आप शाकाहारी हो जाएंगे, मांस मछली अंडे का सेवन करना छोड़ देंगे, आपके घर में बरकत आएगी, आपको दुख तकलीफ में राहत मिलेगी, आपके बच्चों के पढ़ाई लिखाई में जो है फायदा होगा, आपके जो है दुकान और दफ्तरों में बरकत आएगी। यही हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमा कांत जी महाराज, जिनका आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश उज्जैन पिंगलेश्वर स्टेशन के पास इनका आश्रम है। ये धर्म विकास संस्था उज्जैन के नाम से कही जाती है और ये देश विदेश में जीवों को जगाने का काम कर रहे हैं कि आप लोग शाकाहारी हो जाइए, शाकाहारी हो करके अपने जीवात्मा का कल्याण कर लीजिए, आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। यही हमारे गुरु महाराज का उद्देश्य है। जय गुरुदेव के माध्यम से आप समाज को कुछ कहना चाहेंगे, कोई उद्देश्य बताना चाहेंगे कि जो है कोई सूचना देना चाहेंगे? जी, सूचना तो यही हम समाज को बराबर दे रहे हैं शाकाहारी रहने का, कि आप लोग शाकाहारी रहिए और किसी को मारिए काटिए नहीं, सताइए नहीं, क्योंकि ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, एक दिन इसको खाली करना पड़ेगा। और किसी को सताओगे तो तुम भी सताए जाओगे, किसी को मारोगे तो मारे जाओगे, अदला बदला देना पड़ेगा, बगैर अदला बदला दिए फुर्सत नहीं है। इसलिए हम समाज को, अपने जो है प्यारी जनता को, अपने सभी नौजवान साथियों को, माताओं बहनों को, पिता तुल बुजुर्गों को सबसे हाथ जोड़कर मेरा भी यही निवेदन है कि आप सभी लोग शाकाहारी हो जाइए और शाकाहारी हो करके अपना जीवन बिताइए, अपने घर में सुख शांति और खुशहाली पाइए।